यो भूतम च भव्य च सर्वयश्चाधितिष्ठति सर्वस्य च केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्राह्मणे नमः। जो भूत भविष्य और सब में व्यापक है, जो दिव्य लोक का भी अधिष्ठाता है, उस ब्रह्म को प्रणाम है। वही हम सबके लिए वंदनीय है और वही हम सबके लिए पूजनीय है। हमारे हिंदू धर्म और रीति रिवाज के अनुसार माना जाता है कि कण कण में भगवान बसता है, कण कण में शंकर, इसीलिए हम कंकड़ पत्थर की भी पूजा करते हैं। पीपल को हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय वृक्ष माना गया है। पीपल का शुद्ध तत्सम नाम अश्वत्थ है। इसे विश्व वृक्ष, चौत्य वृक्ष और वासुदेव भी कहा जाता है। अथर्ववेद और छंदोग्य उपनिषद में भी इस वृक्ष के नीचे देवताओं का स्वर्ग बताया गया है। शास्त्रों में ऐसा ही एक धार्मिक कर्म बताया गया है हवन, जिसका शुभ प्रभाव न केवल व्यक्ति बल्कि प्रकृति को भी लाभ ही पहुंचाता है। विज्ञान भी हवन और यज्ञ के दौरान बोले जाने वाले मंत्र, प्रज्वलित होने वाली अग्नि और धुएं से होने वाले प्राकृतिक लाभ की पुष्टि करता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर पुरातन काल से ही घंटी अथवा घड़ियाल लगाने की परंपरा है। मान्यता है कि जिन स्थानों पर घंटी बजने की आवाज यथाक्रम आती रहती है, वहां का परिवेश हमेशा साफ सुथरा, धार्मिक और पावन बना रहता है और सकारात्मकता के द्वार खुल जाते हैं। भगवान को प्रसाद चढ़ाने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। प्रत्येक भक्त अपने इष्ट या प्रिय देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए प्रेम भाव से या उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए उन्हें प्रसाद अर्पित करते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान के दर्शन उपरांत उन्हें पीठ नहीं दिखाना चाहिए, जिसके लिए मंदिर से उल्टे पांव वापस आने की मान्यता है।